क्या आपने कभी किसी टेस्टिंग बस के बारे में सुना है? क्या आपने सुना है कि किसी देश में कोरोना वायरस के संदिग्ध मरीजों को पकड़ने के लिए टेस्टिंग बस का उपयोग हो रहा है? लेकिन ऐसा हो रहा है तो भारत की आर्थिक राजधानी कहे जाने वाले मुंबई में। आपको बता दें कि मुंबई को विश्व की पहली टेस्टिंग बस मिल चुकी है। इस बस को बनाने में कृष्ण डायग्नोस्टिक के साथ बीएमसी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और जावा मोटरसाइकिल के निर्माता क्लासिकल लेजेंड की निवेश कंपनी ने इस बस को बनाया है। शुरू में इस बस से पुलिस तथा स्वच्छता कर्मचारियों के परीक्षण हो रहे थे, लेकिन अब बस को शहर और राज्यों के कई हिस्सों तक अलग अलग लोगों के टेस्ट कराने के लिए भेजने की प्लानिंग चल रही है। बस में कोरोना वायरस का परीक्षण कम समय में हो जाता है और इसमें कोरोना के संदिग्ध मरीजों को ढूंढने में मदद मिलती है। यह बस हर घंटे 15 टेस्ट सैंपल अब तक ले रही है तथा अगले 100 दिनों तक टेस्टिंग क्षमता को 100 गुना बढ़ाने की जो प्लानिंग है वो भी चल रही है। आपको बता दें कि कोरोना वायरस से महाराष्ट्र बुरी तरह प्रभावित है और अकेले मुंबई में ही करीब 30,000 से ज़्यादा लोग संक्रमित हैं। ऐसे में मुंबई को टेस्टिंग बस मिल जाना कोरोना वायरस की लड़ाई में एक सहयोग के बढ़ाने के लिए बहुत बड़ी बात हो सकती है और ये कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई को और मजबूत कर सकता है। आंकड़ा है उससे हम करीब दिन में 250 से 300 टेस्ट कर पा रहे हैं। हम उन लोगों के पास जा पा रहे हैं जहां पर टेस्ट की ज़्यादा ज़रूरत है। शुरू में सरकार का मानना है कि हमें पहले उन लोगों का ध्यान रखना चाहिए जो चाहे जैसे पुलिस के लोग हैं या सफाई कर्मी हैं या वो लोग हैं जो डिलीवरी का काम करते हैं, जो भी लोग सेवा में पहले लगे हुए हैं, हमको उनका पहले ध्यान रखना है और उन सब के लिए हमको ये टेस्टिंग करनी है। इस टेस्टिंग से सिर्फ जल्दी ही टेस्टिंग नहीं हो रही है बल्कि जो औसत लागत लगती है उससे आधे से भी कम में हम ये टेस्टिंग कर पा रहे हैं।